नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से रिसर्च की कक्षा में उपस्थित हूं, जिसमें एक उलझा हुआ टॉपिक मैंने लिया है, जो कि खास करके आप देखेंगे, मैंने कल कहा था कि मैं कल प्राक्कल्पना पढ़ाऊंगा, लेकिन प्राक्कल्पना के पीछे मुझे एक जटिल प्रश्न लगा कि अगर जब तक हम इन दोनों में जब तक शोध समस्या और उसके जो प्राक्कल्पनाएँ होती हैं उसके बीच जब तक हम अंतर को स्पष्ट नहीं करें, तब तक हम उन बीचों की जो दूरियां हैं या उनके बीच जो संबंध हैं उनको, वो खास करके एक छात्रों के दिमाग में काफ़ी उलझा हुआ रहता है, तो उसको स्पष्ट करना मेरा एक कर्तव्य होता है। इसी के कारण से आज हम एक तरफ क्या लिखेंगे, शोध समस्या और दूसरी तरफ शोध प्राक्कल्पना, या प्राक्कल्पना लिख लीजिए। अब इन दोनों के मध्य जो दूरियां हैं या दोनों के बीच जो संबंध है, इनको हम सबसे पहले स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये शोध समस्या क्या होती है, मैंने कल बताया था कि जब भी रिसर्च करते हैं तो कभी भी रिसर्च की प्रक्रिया में एक समस्या का होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना समस्या के भैया आप क्या समाधान करेंगे। तो समस्या तो ज़रूरी होता है, कोई भी आप कोई भी चीज़ें करें, लेकिन बिना समस्या के क्या आप करते हैं, नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो समस्या का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो और कभी भी समस्या को ही, क्योंकि ये कई बार नेट के एग्जाम वगैरह में पूछा गया है कि समस्या को ही प्रश्न भी कहा जाता है, तो आप ये कहते हैं कि शोध समस्या एक प्रश्न है ना, शोध समस्या एक प्रश्न है। तो देखेंगे शोध समस्या क्या है। तो शोध समस्या दो या दो से अधिक चरों के मध्य एक प्रश्नात्मक वाक्य या कथन कहलाता है। क्या कहलाता है? शोध समस्या दो या अधिक चरों के बीच प्रश्नात्मक वाक्य या कथन है ना, ये प्रश्नात्मक वाक्य या कथन है, ये प्रश्नात्मक वाक्य या कथन है। आप ऐसा इसमें कह सकते हैं कि शोध प्राक्कल्पना क्या है, तो ये भी दोनों में साम्यता है इसमें। अब शोध प्राक्कल्पना दो या अधिक चरों के बीच प्रश्नात्मक वाक्यों का अस्थाई समाधान है ना। आप देखेंगे इन दोनों के बीच एकदम से ऐसा नहीं है कि बहुत दूरियां हैं, दोनों में साम्यता भी है। अब ये देखिए कि शोध समस्या में भी दो या दो से अधिक चर का होना अत्यंत जरूरी है, और इसमें भी शोध प्राक्कल्पना में भी दो या दो से अधिक चरों का होना जरूरी है। अब ये देखेंगे दो या दो से अधिक चरों के बीच ये प्रश्नात्मक वाक्य या कथन होता है ना, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो दो या दो से अधिक चरों के बीच जो प्रश्नात्मक वाक्य है उसका, उसी वाक्य या कथन का ये टेंटेटिव समाधान है, टेंटेटिव अर्थात अस्थाई समाधान कहलाता है। ये देखेंगे शोध समस्या सीधे जचनीय नहीं होता,
और आप देखेंगे कि प्राकल्पना सीधे जचनीय होता है। अब देखेंगे कि ये कभी भी जो शोध समस्या है वो शोध समस्या डायरेक्ट वे में आप उसकी जांच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट वे में इसकी जांच होती है किसकी? प्राकल्पना की। अब देखेंगे कि शोध समस्या की अभिव्यक्ति प्रश्नात्मक कथन के रूप में विकसित की जाती है, जबकि अब देखेंगे कि प्राकल्पना प्राकल्पना की अभिव्यक्ति घोषणात्मक रूप में की जाती है। शोध समस्या में चरों के बीच संबंधों की समस्या क्या है का पता चलता है, न कि किसी समाधान के बारे में। लेकिन हम देखेंगे कि प्राकल्पना में चरों के बीच संबंध क्या है इसके समाधान की ओर इशारा मिलता है। तो आप देखिए कि यहां पर शोध समस्या एक प्रकार का प्रश्न होता है, जबकि यह प्रश्न नहीं होता है ना? यह प्रश्न नहीं होता है। यह शोध समस्या में हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक चरों के बीच जो प्रश्नात्मक वाक्य या कथन है उसको हम यहां पर रखते हैं, जबकि आप प्रश्न प्राकल्पना में प्रकल्पना दो से अधिक जो प्रश्नात्मक वाक्य हैं उसका क्या होता है? अस्थायी समाधान होता है। यहां पर आप शोध समस्या की जांच आप सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं, जबकि प्रकल्पना की जांच आप सीधे तौर पर कर सकते हैं। फिर आप शोध समस्या की अभिव्यक्ति प्रश्नात्मक वाक्य या कथन के रूप में विकसित करते हैं, जबकि आप जब प्रकल्पना की अभिव्यक्ति करते हैं तो वो घोषणात्मक रूप में करते हैं, क्योंकि आप घोषणा करते हैं वहां पर। फिर शोध समस्या में चरों के बीच संबंधों की समस्या क्या है इसका पता चलता है, न कि किसी समाधान के बारे में। जबकि जब प्रकल्पना के बारे में जब हम चरों के बीच संबंध क्या हैं इसके बारे में वो अस्थायी समाधान के की ओर हमें इशारा मिलता है। स्थायी तौर पर समाधान तो नहीं होता है, लेकिन समाधान के तौर पर हमें इशारा जरूर करता है। अब जैसे एक हम आपको एक उदाहरण के तौर पर हम दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण है कि क्या पुनर्बलन पुनर्बलन
सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। ये क्या है? एक समस्या है। क्या पुनर्वलन सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है? अब इसी का अगर हम एक प्रकल्पना बना लें तो क्या होगा? पुनर्वलन के द्वारा सीखने की गति बढ़ेगी। अब इसमें दोनों में अंतर देखिए कि क्या पुनर्वलन सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, ये एक प्रश्न है, एक समस्या है, जबकि पुनर्वलन के द्वारा सीखने की गति में वृद्धि होगी या सीखने की गति बढ़ेगी, ये एक प्रकार का क्या है? प्रकल्पना है, जो हम क्या करते हैं कि ये एक टेंटेटिव समाधान है कि हाँ बढ़ेगी। अब बढ़ेगी घटेगी ये जचनीय चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं, फिर अन्य कक्षा में हम इसके आगे की कक्षा को चालू करेंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।